नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। अभी मैं जिला स्कूल के मैदान में हूं और यहां पे हमारे साथ कुछ युवा हैं और ये युवा भागलपुर के हैं और सुबह सुबह क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए इनका मैदान पे आना होता है और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भागलपुर में बरसों से मुद्दा रहा है, क्या उस मुद्दे पर ही विधानसभा चुनाव में लोग मतदान करेंगे इस बार। कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। सर, बरसों से मुद्दा रहा है भागलपुर का हवाई अड्डा, जाम की समस्या और भोलानाथ पुल, और ये मुद्दा बनाकर लोग जो हैं जीतते आए हैं, लेकिन काम धरातल पर जो है जैस का तस पड़ा हुआ है। क्या लगता है, इस बार ये समस्या हल हो जाएगी? देखिए, हमेशा से यही मानना रहा है कि जो भी आए बस काम करे। हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी सत्ता से मतलब नहीं है उतना। जो भी आए बस काम होना चाहिए, हम लोगों को बस काम से मतलब है। आपको क्या लगता है, भागलपुर से कोई ऐसा प्रत्याशी उम्मीदवार जो इस बार ये समस्या हल कर सके? अभी तक तो ऐसा कोई हमको नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, कुछ और लोग हैं। सर, क्या लगता है कि बरसों से जो ये मुद्दा रहा है शहर का, इस बार भी यही मुद्दा रहेगा, और क्या इस बार बागडोर जो है किनके हाथों में सौंपी जाए? हम चाह रहे कोई युवा नेता के हाथों दिया जाए जो भागलपुर के लिए काम कर रहे हैं। तो युवा में कौन, शहर में कोई चेहरा आपके नज़र में? हाँ, वर्मा जी हैं, राजेश वर्मा जी। राजेश वर्मा, हाँ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि राजेश वर्मा जी वो काम कर रहे हैं भागलपुर के लिए? सभी नेता घर में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। भोलानाथ पुल स्विमिंग पूल बन जाता है बारिश के टाइम, देख ही रहे हैं, कुछ नहीं करते, सब काम कागज़ पे हो रहा है, असली में कुछ नहीं हो रहा। युवाओं को मौका, एकदम युवाओं को मौका मिले तो फिर सभी का विकास होगा, भागलपुर का विकास होगा जी। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि इस बार जो है बिहार विधानसभा जो होने हैं चुनाव, उसमें किनके हाथों में भागलपुर के विकास का बागडोर सौंपा जाए जो कि भागलपुर का विकास का रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाए? देखिए, बागडोर अभी भागलपुर के किसके हाथ में सौंपा जाए ये तो डिसाइड करना मुश्किल ही है, क्योंकि जो अभी भागलपुर की स्थिति है उस हिसाब से देखा जाए तो इस पर प्रोग्रेस का बहुत ये है। स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का है, लेकिन स्मार्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं, किसी तरफ से नहीं है। और जो भी नेता हैं अभी काम जो कर रहे हैं वैसा तो कुछ अभी दिखता नहीं है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा चल रहा है। उस हिसाब से आप देखें तो जो ज़्यादा काम करें उनको वोट देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और युवाओं को तो हमेशा मदद करना चाहिए आगे बढ़ के जो भी हो। और बाकी देश तो युवाओं से ही चलता है। कोई चेहरा सर लगता है कोई भागलपुर में, कोई ऐसा चेहरा आपके नज़र में? काफ़ी चेहरे हैं भागलपुर के, सारे युवा लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता सब भी हैं जो इस काम में मदद कर रहे हैं। तो सारे युवा और बुजुर्ग जो भी हैं सबको मिल के एकजुट होकर इसको भागलपुर का विकास करना पड़ेगा। बाकी कोई एक सिंगल पर्सन ऐसे विकास नहीं कर सकता। जैसे जब तक टीम यूनिटी नहीं होगा तो आप मैच भी नहीं जीत सकते, उसी तरह जब तक टीम यूनिटी नहीं होगा आपके उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर, बात जब आती है तो विधायक जब यहाँ से नवंबर में बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो किसी एक के हाथों में ही बागडोर सौंपनी पड़ेगी, विधायक जो बनेंगे जी। विधायक जो रहेंगे वो तो मेन ऐसे कैप्टन है, बाकी उनके साथ जो टीम रहेगी सपोर्ट वो ज़रूरी है। जो वो किस तरह की टीम सेलेक्ट करते हैं वो मेन है, कि वो काम कैसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मेन डिपेंड होता है। क्योंकि आप तो किसी को भी उठा लेंगे तो फिर वो काम नहीं कर रहे तो बस वो ऑन पेपर रहेगा, ऑन फील्ड क्या होता है वो मेन इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं सर, क्या लगता है वर्तमान के जो विधायक हैं अजीत शर्मा, इनकी कार्यशैली से आप खुश हैं? मैं किसी व्यक्ति पे सवाल नहीं उठाना चाहूँगा। रही बात काम और नहीं करने की, तो ये लगभग यहाँ के जो वासी हैं उनके नज़र में आ रहा है, और मैं किसी के भी काम से संतुष्ट नहीं हूँ। रही बात अगर भागलपुर के विकास की जाए तो भोलानाथ पुल का मुद्दा हो या कहलगाँव NHAT का मामला हो, तो शायद दुनिया का सबसे ख़राब अगर NH है कहीं तो वो भागलपुर का NHAT है। तो इतने सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने देखा है कि कई सारे सत्ताधारी आए और लेकिन कुछ भी बड़ा बड़ा वादा करके चले गए, लेकिन अभी तक समस्या वह धरातल पे आई नहीं है, मतलब वहीं की वहीं है। और मेरे ख्याल से कुछ ऐसे युवा हैं जो कि काम कर सकते हैं, लेकिन जब बात राजनीति और इलेक्शन का माहौल जब बनता है तो वहाँ पर जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पर काम कर गई, और कर हमेशा यही भागलपुर के ये हमेशा ये रहा है कि हाँ, राजनीति का ये रहा है कि कभी भी जब पहले तो माहौल बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो कहीं ना कुछ मुद्दे, पुराने मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं और नए कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, और उसी के कारण यहाँ की वोट जो है वो डिसाइड हो जाता है। सर, कोई चेहरा आपकी नज़र में शहर में? नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत प्रश्न व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा। धन्यवाद।
ठीक है, तो ये जिला स्कूल से हम थे और मैं भी चाहूँगा कि आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना सवाल रखिए और अगली बार जब भी हम कभी कहीं जनता के बीच होंगे तो आपके सवाल को हम जनता के बीच रखेंगे। मेरा नाम विकास कुमार। अच्छा, आपको भी बोलना है? जी जी बोल लीजिए। हमारा कहना है कि हमारे भागलपुर में केंद्रीय विद्यालय सेंटर नहीं है, ठीक है, और स्टेडियम का भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे आके हम लोगों का इंट्रोडक्शन लिया जा रहा है, मगर ये चीज़ देखा है कि बच्चा किस तरह के ग्राउंड में खेल रहा है। जरा ग्राउंड की तरफ कैमरा घुमाइए, देख लीजिए किस हिसाब का ग्राउंड है। उसके बाद हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पे जितना भी नेता लोग आते हैं सभी झांसे में रखते हैं कि आज ये होगा, कल वो होगा, ये होगा, मगर वैसा कुछ फैसिलिटी होता नहीं है। हम लोगों को सिर्फ बोला जाता है कि इस बार बेहतर होगा। इस बार तो मौका है आपके पास कि अपना प्रत्याशी जो है बेहतर, जो आपको पसंद है उसको चुनने का। हाँ, चुनने का है मौका, मगर ये तो है, बट हमारे एक चुनने से नहीं होता। जब तक संगठित लोग एक साथ एक जगह वोट नहीं डालेंगे तब तक फैसला नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप किसी को दे रहे, कोई और किसी को दे रहा, कुछ और हो रहा है, राजनीतिक बहुत तरह का दलदली है, इस वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। करके किसी पे वोट देते हैं, अब उसका रिजल्ट कुछ और हो जाता है तो आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में वो क्या होगा। आप तो सोचते हैं कि मेरा जो युवा है जिसको हम वोट दे रहे हैं वो कुछ काम करेगा, और आप तो शहर की परिस्थिति से वाकिफ है। पर नॉर्मली सा सिंपल शहर में बहुत सारा काम है जो आम पब्लिक। आप बोल रहे थे कि एयरपोर्ट वाला बात, आज तक यहाँ का एयरपोर्ट सुनने में आया चले गया है झारखंड, ये बात सही आप सुने होंगे? हम लोगों ने भी सुना, मगर एक्चुअली में तो वो यहाँ के लिए बना हुआ था, मगर वो भी अब कब काम शुरू होगा नहीं होगा, सिर्फ बोला जा रहा है कि आज होगा कल होगा कल होगा, अब तो होता ही रह गया है। इससे बड़ा तो शहर में चौड़ीकरण होना चाहिए, सड़क का ब्रिज होना चाहिए और वन वे सिस्टम होना चाहिए और डिवाइडर होना चाहिए, लाइट होना, बहुत सारा चीज़ें ऐसा सा बहुत सारा मुद्दा आपका। इस बार मुद्दा ये भी है एक तरह से सर कि शहर में आज चार दिन से देख रहे हैं बहुत सारे जाम लग रहे हैं। एक तो कोरोना का महामारी चल रहा है, ऊपर से इतना एक जगह इंसान जुट रहे हैं जो ट्रैफिक के द्वारा फंसे जा रहे हैं। इसके वजह से सरकार को कुछ करना चाहिए, चाहे नीतीश सरकार हो या आने वाले सत्ता में जो भी कोई हो, उनसे लिए हम अपील करेंगे कि पहले रोड सुरक्षा किया जाए। नगर विधायक के लिए आपके नज़र में कोई भागलपुर से चेहरा कि इनको नगर विधायक है? तो बहुत सर, मगर क्लियरली तौर से कोई सामने नहीं कर सकते हैं, कन्फर्म नहीं बता सकते। एक मुद्दा जो होता है जो एक करता है तो दूसरा फिर आके उसमें टांग अड़ाता है। यहाँ टीम बनाना पड़ेगा, तुम कर रहे हो तुम्हारे यूनिटी होना जरूरी है, सबके यूनिटी से ही काम हो सकता है। किसी अगर कुछ कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके पीछे कुछ केंद्रीय विद्यालय का जो मुद्दा हम बता रहे हैं सर वो बहुत जरूरी है आने वाले जनरेशन के लिए। उससे किस तरह का बच्चे का माइंड डेवलप होगा वो केंद्रीय विद्यालय, उसमें क्या होगा खुद का अपना कॉलेज का या स्कूल जो भी केंद्रीय टाइप से बनाया जाएगा उस टाइप का उसमें फैसिलिटी दिया जाएगा बच्चा का अपना खेलने के लिए मनोरंजन का। बच्चे को जिस क्षेत्र में कैंसर हॉस्पिटल के लिए मेरा कुछ नहीं, कुछ बोल रहे थे। बोले ट्रामा सेंटर होना चाहिए यहाँ पे, आपका कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए। सिर्फ विकास का मतलब ये नहीं कि साफ सुथरा करवा दिए रोड ये छीट लिए उससे कोई मतलब। वो भी नहीं है। हाँ जो भी हो, लोग यहाँ देख रहे हैं कि उसका भी यहाँ पे देखभाल नहीं हो रही है। यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग इंटरनेशनल लगी हुई है, उस पर पानी टपकती है, और एक साल से डेढ़ साल से हम एप्लीकेशन विधायक जी संसद सबको दिए, कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। अभी आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, ये जिला स्कूल के जस्ट सामने कोना में रखी हुई है। वहाँ मतलब सभी से मिले, जितने ऊंचे पदाधिकारी थे सभी से मिले, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या सोचें इस बार जो चुनाव होने हैं तो किनको सौंपा जाए? इस बार जो क्या सौंपेंगे सर, इसमें समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या सौंपेंगे आप बता दियो सर। कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है सर, कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है सर। जो विकास करने योग्य होगा, जो एजुकेटेड होंगे उन्हें हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो शहर से रूबरू है हम लोग के बीच आकर समझेंगे, हम लोग की जरूरत को पूरा करेंगे। हम लोगों को लगता है कि इस बार किसी नए चेहरे को देना चाहिए, जैसे एक नए चेहरे में राजेश वर्मा जी अच्छा लग रहे हैं, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और चारों तरफ घूमते हैं देखते हैं, जहाँ पर जिनको जैसा लगता है उसके साथ रहते हैं साथ देते हैं, तो नए चेहरे में हम लोग को एक वर्मा जी नज़र आ रहे हैं। या जैसे कि संगठन का बात रहा तो बहुत बड़ा संगठन तैयार हो रहा है, JBJ संगठन जागो बिहार जागो, वो बहुत ही अच्छा काम करेगी आने वाले दिनों। वो ये संगठन का नेतृत्व राजेश वर्मा के पास नहीं है, वो उन्हीं के द्वारा चलता है। तो कुछ युवा नेता को दिया जाए, ये भागलपुर का विकास हो, कुछ नहीं होता। आप लोग तो जान ही रहे हैं, हर एक जगह देख ही रहे, तार सब सभी जर्जर हो चुके हैं। हम लोग का संगठन के लोग जाके देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत मोदी रोड बनना चाहिए जी। आप लोग नया युवा मौका देंगे तो फिर पता चलेगा, हर बार आप लोग जोड़ दीजिए नया युवा पे, युवा नेता पे जोड़ दीजिए। हम हमें लगता है
तो जिला स्कूल से लोगों का साफ मानना है कि इस बार का जो है मौका वो युवाओं को मिलनी चाहिए, युवाओं को देना चाहिए। तो बहरहाल हम जिला स्कूल से आपके साथ जुड़े हुए थे और यहाँ की जो लोग थे, जो युवा थे, जो क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, इनकी राय है T20 में टेस्ट खेलने का जरूरत नहीं है, अभी T20 का ज़माना है, फटाफट काम कीजिए और जो फटाफट काम करेगा उसी का नाम होगा। तो यहाँ के युवाओं का ये राय था और हम भी चाहेंगे कि आप जो है, आपका अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमसे सवाल कीजिए और आपके सवाल को हम अगली बार जब भी कहीं किसी जगह से जनता के बीच होंगे, लोगों के बीच होंगे, तो हम आपके सवाल को रखने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सलमान अनवर मौजूद हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।